हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम हिंदी के क्वेश्चंस करने वाले हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपके सिलेबस में भी हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 81 है, निर्मल शब्द का विलोम आपको बताना है। तो निर्मल का जो विलोम होता है उल्टा है, वो मलिन होता है, आपको पता भी होगा। सुंदर, साफ, पवित्र, ये अलग है, ठीक है। ये इसका विलोम नहीं है, मलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जलसा। जलसा क्या होता है? जलन, जल, जलाधार, नहीं, समारोह इसका सही उत्तर है। जलसा निकला हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना, कोई समारोह हो रहा है, ठीक है, कोई झांकी टाइप निकल रही है बड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, मधुशाला के लेखक कौन है? और मुझे तो याद है इसका आंसर, आप लोगों को भी पता होगा, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। और बहुत अच्छी है ये जो उन्होंने लिखी है मधुशाला, बहुत बढ़िया लिखी है, मतलब सारे भेदभावों को मिटाती हुई ये पोएम, बहुत बढ़िया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, कमर सीधी करना। आज तो बहुत दर्द है कमर में, आज बहुत थक गए हैं, चलो थोड़ी कमर सीधी कर लेते हैं, मतलब थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो क इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, कौन सा अलंकार है? जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे च च च, ठीक है, च च च च बार बार रिपीट हो रहा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है, ठीक है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86, गरज उठे 40 कोटि जन सुनिए भजन उछा भरे में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है, और मुझे इसका उत्तर गूगल करने पे नहीं मिला, तो एक MP की 8th क्लास की बुक डाउनलोड हुई मुझसे, जिसमें इसके जो पोयम है ये लिखी है, और ये पोयम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, जिसमें मोटिवेट किया गया है बच्चों को कि उठ खड़े वो। तो इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाला कि वीर रस इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद कीजिए, और मुझे लगता है ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है और बार बार आता है। तो उज्ज्वल का हमारा सही जो बैटरी गई इसकी, उत जमा ज्वल, ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे हलंत का, देखो हलंत का फ़र्क है, नीचे हलंत नहीं लगा है, तो जो हलंत वाला है ये वाला सही है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा उत जमा ज्वल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि है इसमें? तो इसमें हमारी है व्यंजन संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है, कमल नयन में कौन सा समास है? जब आप किसी की विशेषता बताते हो किसी से कंपैरिजन करके, तो वहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होता है, विशेषता से याद रख सकते हो, कमल नयन, कमल से नयन, ठीक है, कि कमल जैसे नयन तुम्हारे, तो कर्मधारय समास, आप किसी की तारीफ कर रहे हो, किसी और को कुछ बताते हुए कि नहीं तुम्हारा तो चांद सा मुखड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, वीरांगना का पुलिंग है वीर वीरांगना, ठीक है, इसका पुलिंग शब्द हो जाएगा। 90 है, सम्राट अशोक के शिलालेख सबको पता ही है प्राकृतिक भाषा में मिले थे श श स ह, ये उष्मीय व्यंजन है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे उष्मीय तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो उष्मीय व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है, ठीक है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय जो पीछे लगते हैं शब्द के, प से प्रत्यय, प से पीछे, ऐसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सावधान है, ठीक है, यहाँ पे जो सावधान लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, मूल शब्द है, ठीक है, और जमा ई, तो ई हमारा यहाँ पे प्रत्यय हो गया, सही आंसर क हो जाएगा, सावधानी। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं हिंदी में, उनको हम तत्सम कहते हैं, और इसको जो मैंने अपने ट्रिक से याद किया हुआ है वो है तत्सम, सम, सम मतलब समान, एक जैसा, तो यानी कि संस्कृत के वही वर्ड हम हिंदी में भी ऐसे यूज़ करते हैं, तो उनको हम तत्सम बोलते हैं, और जिनको चेंज करके यूज़ करते हैं उनको हम तद्भव बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो सबको पता होगा, कर्ता नहीं है, कर्म को कारण से, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अधिकरण। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो ये है 343, इसका सही आंसर है आर्टिकल 343।
क्वेश्चन नंबर 98 है, कमल का समानार्थी शब्द क्या है? ये क्वेश्चन मुझे ऑप्शन सारे कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, मुझे ठीक से आंसर नहीं पता चल पाया इसका, तो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करना। रजनी मतलब रात होता है, विभावरी मतलब भी रात होता है, भामिनी मतलब बेटी लड़की, इसका पर्यायवाची होता है, लेकिन जो पारिजात है ये जैस्मिन के फूलों का वृक्ष होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएँ सभी के अकॉर्डिंग, तो पारिजात आएगा, पारिजात जो फूल है, फूल होता है किसी तरीके का, वृक्ष होता है किसी फूल का, ठीक है, जैस्मिन आप लगा सकते हो, गूगल करने पे मुझे यही मिला। तो अभी समानार्थी के परिप्रेक्ष्य में देखो तो आप फिर यही उत्तर इसका सही जाता है, बाकी आपकी क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चारु शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा क्या है ये आपको मुझे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 99 का आंसर है चारुपन, चारुताई, चारु या चारुतस, ठीक है। तो इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन है, मुझे कन्फ्यूजन थी और मैंने गूगल किया तो नहीं मिल रहा है इसका आंसर, किसी को पता है तो ज़रूर बताना, बट जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे मैं भावाचक संज्ञा और भी शब्दों की हम बनाते हैं, तो आई थिंक चारुपन हो सकता है, बाकी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी इसका सही उत्तर पता चलना चाहिए, क्योंकि मुझे भी सब कुछ नहीं आता, सबको सब कुछ नहीं आता, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, और मैं भले ही वीडियोस बना रही हूँ बट कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मुझे भी सीखनी है। तो प्लीज़ जहाँ मैं कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछूँ तो प्लीज़ आप आंसर किया करो, करें और अपने विचार ज़रूर रखें इस चीज़ पर। अब हमारा लास्ट का आज का क्वेश्चन है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? तो आप अपने भाव विचार जो कैसे अभिव्यक्ति करते हो, कैसे आप उसको एक्सप्रेस करते हो, तो आप भाषा के माध्यम से करते हो। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे हिंदी के, और होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू।